देखिए दोस्तों, अब तक की हमने क्लास में जो देख लिया पीछे वो सिंपल इक्वेशन को हल करना देख लिया। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरणों में कुछ अलग तरह के समीकरण होते हैं जिनको हम लोग हल करेंगे, जो थोड़ा सा हटके होते हैं। जैसे अभी तक आपने देख लिया होगा कुछ इस तरह के इक्वेशन को हल करना। अगर ये एक्स का स्क्वायर है और प्लस ये 5x है और प्लस 6 है, तो इसको हल करना आपने देख लिया, बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्यों? गुणा करने पर लास्ट वाला पद आए और जोड़ने पर बीच वाला आए। बस ऐसे ही हमें दो अंक चाहिए होते हैं। जोड़ दें तो 5 आ जाए और गुणा कर दें तो 6 हो जाए। तो गुणा करने पर 6 किसका किसका होगा? अगर 6 का 1 में गुणा करें तब भी 6 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 2 का 3 में गुणा करें तब भी 6 हो जाएगा। अब हम 6 और 1 लेंगे या 2 और 3 लेंगे? दो और तीन लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हमें जोड़ने पर 5 लाना है, बीच वाला पद जोड़ने पे आना चाहिए। तो हम इसको 3 धन 2 करके x कर लेंगे। मतलब इस तरह से हल कर लेते हैं। आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, आपको पिछली क्लास दिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ गया तो कैसे करेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक अगर दिया हो तो क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणांक का गुणा लास्ट वाले पद में करते हैं, ठीक है। और अपने मन में ही एक नया समीकरण बना लेते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो क्या बना लेते हैं? वो ये बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6। समझ गए ना? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है, इस समीकरण का सोचना है कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7 आए, ऐसा कोई दो अंक बताना है। बात समझ में आई ना? समझ में आई बात? लेकिन हाँ, यहां पर 2 भी होना चाहिए। मतलब समझ में आया? फिर क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे, इस समीकरण को इसको तोड़ मरोड़ के फिर इसी मिला के मान रख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको चाहे आप कार में कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, देखिए अपने समझने के लिए, या फिर आप ऐसे ही समझ ले कि गुणा करने पर कितना लाना है। गुणा करने पर आपको लास्ट वाला पद आना चाहिए, मतलब कि जो इसमें गुणा करने पर आ रहा है। नहीं समझ रहे होंगे, 2 3 6 6 हो रहा है ना, तो आपको गुणा करने पर क्या लाना है? 6 लाना है। और जोड़ने पर क्या लाना है? 7 लाना है। जोड़ने पर कितना लाना है? 7 लाना है। तो भाई गुणा करने पर 6 किसका आएगा? 2 और 3 का भी 6 आएगा, लेकिन जोड़ने के 2 3 को तो 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। तो हम इस पे क्या करेंगे, 2x² प्लस 7 की जगह पे हम लिखेंगे 6 और धन 1। देखिए 6 का 1 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आई ना? अब आप लोग कह रहे होंगे कि लास्ट में तो 3 है, तो गुणा करने पर 6 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो 2 है इसका गुणा करके इसमें समझ लेते हैं, तब इसको हल करते हैं। अभी हम आपको सिंपल वाला भी दिखा देंगे, समझ लीजिएगा। तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 2x² प्लस ये 6x प्लस ये x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन, तो इसमें 2x कॉमन, x प्लस 3 बचेगा, है ना, यही तो बचेगा, प्लस इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा। ये आपका x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये क्या हो गए? समीकरण के 2 मूल। लेकिन ये यहां पर बराबर 0 भी रहा होगा आपके समीकरण में, है ना। अगर आपसे समीकरण के 2 मूल पूछा जाए तो आप यहां से एक एक को 0 के बराबर कर लेंगे क्रमशः। तो जल्दी से कर लेते हैं 0 के बराबर। प्रॉब्लम किस बात की है बाबू? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए कर लेते हैं। देखिए आज आपको बिल्कुल मस्त दिख रहा होगा क्वालिटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए कर लेते हैं, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, एक मूल आ गया -3। यदि दूसरा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल 0 तो x बराबर हो जाएगा -1/2। ये कैसे हो गया? क्योंकि जो 2 था ये इधर आया ना, लेकिन उसके पहले जो ये 1 था इसको उधर पक्षांतर किया तो ये -1 हो गया, और ये 2 जो गुणा में था ये भाग में आ गया। इस तरह से आपके 2 मूल आ गए, एक तो 1/ये माइनस में 1/2 और एक माइनस में 3, ठीक है। अब सिंपल वाला देखिएगा कैसे करेंगे। अगर इसमें सिंपल वाला एक सवाल आपको दे दिया जाए तो ये बहुत ही आसान होता है। इसमें दोनों में अंतर समझ लीजिएगा आप लोग, तो इसको कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगी। और हाँ, जब क्लास खत्म होने लगेगी तो आपको एक लिंक मिल जाएगी,
वहां से आप अगली क्लास को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर आए क्या 2। अगला देखिएगा, ये 2x² + ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पर 14 आए और जोड़ने पर आए 9। ये इन दोनों में अंतर देखिएगा, कैसे इन दोनों को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। वो क्या है कि भाई इसमें और इसमें x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, क्या है? 1 है ना, 1 है। इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। तो हमें पहले यह समझना है कि बीच वाले पद को कैसे तोड़ना है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहले x वाले पद के जो गुणांक है उसका गुणा करते हैं लास्ट वाले पद में, तो हम पाते हैं गुणा करने वाला पद, मतलब कि गुणा करने पर क्या आए इसमें और जोड़ने पर क्या आए, पहले इसको समझते हैं। तो गुणा करने पर हमें इसमें क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक 1 है। गुणांक कैसे जानते हैं, ये अगर x स्क्वायर ऐसे लिखा हमने, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है 7 है। अगर हमने 3x + 5 लिखा, इसमें x^5 का गुणांक क्या है 3 है, ठीक है? मतलब जो घात वाले पद के साथ गिनती होती है वो उसका गुणांक होता है, ठीक है? क्लियर है ना? तो आगे चलें, देखिए इसके साथ 1 है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, तो जो 2 आएगा उसको यहां पर लिखेंगे, ठीक? तो जो बीच वाला पद है वो यहां पर, मतलब कि हमें क्या करना है, तो ऐसे अंक लेना है जिनका गुणा कर दें तो 2 आए और जोड़ दें तो 3 आए। तो जोड़ने पर 3 कब कब आएगा, जब 1 का 2 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 का 1 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, है ना? और कब आएगा, 2 ही गिनती होनी चाहिए, 2 ही अंक ना, तो 2 और 1 आप कर सकते हैं, 2 और 1 का जब गुणा करेंगे तब भी 2 आएगा, 1 और 2 का गुणा करेंगे तब भी 2 आएगा, मतलब कि यही पर्टिकुलर होगा। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, x² + 3 की जगह पर आप लिख लेंगे 2 + 1, 3 की जगह पर 2 + 1 और x बगल में और +2, ठीक है? सब कुछ क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, बस इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ऐसे कॉमन ले लेंगे गुणा करके, x का गुणा 2 में तो 2x और प्लस x का गुणा 1 में तो x और प्लस 2। अगर x y का गुणा नहीं आता, जोड़ नहीं आता, तो कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप नंबर 9793488448 97 93 48 84 पर, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक क्लास मिलती रहे निर्बाध रूप से। तो अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें, ठीक है? इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 2 बचेगा, इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2 बचेगा, इस तरह से x प्लस 2 और ये x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 0 ऑलरेडी दिया होगा, ये भी 0 दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है? द्विघात समीकरण में ये होता है, बस सिंपल सी बात है, x का 2 मूल आ गया, 1 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 1 आ गया, कैसे आ गया आप लोगों ने पिछली अभी बार में देखा था, इसके जस्ट पहले, है ना? इसमें चलें, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए इसमें जो था गुणा करने पर क्या आया था, 2 लाना था गुणा करने पर, जोड़ने पर 3, मतलब जो लास्ट में पद था गुणा करने पर वही लाना था ना, क्यों? क्योंकि यहां गुणांक 1 था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें गुणा करने पर क्या लाना है, यहां देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं गुणा और ये जोड़, दिख रहा है ना? गुणा करने पर हमें क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा, हमने लास्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा हो सकता है आपको कम दिख रहा हो तो हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है? गौर करिएगा, देखिए 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 × 7 = 14, ये कितना लिखा हमने 1414, और फिर जो बीच वाला पद है उसमें कुछ नहीं करना, 9, समझ गए ना? इसमें गुणा करने पर 7 नहीं लाना, गुणा करने पर 14 आना चाहिए, जोड़ने पर 9 आना चाहिए, ये इसकी तरह 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें x स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो भाई दो गिनती बताओ जल्दी से, जिसको गुणा कर दे तो 14 आ जाए, जोड़ दे तो 9 आ जाए, मतलब जोड़ने पर 9 आना चाहिए, अगर हम 5 में 4 को जोड़ दें तब भी तो 9 हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं 6 में 3 को जोड़ दें तब भी तो 9 हो जाएगा, है ना? अगर हम 8 में 1 को जोड़ दें तब भी 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना? अगर हम
ये तीन में छह को जोड़ दे तब भी नौ हो जाएगा, बट ये सभी गलत है। क्यों? क्योंकि गुणा करने पर 14 आना चाहिए, छह पांच का चार में गुणा 20 आएगा, 14 नहीं आया। छह का तीन में 18 आएगा, 14 नहीं आया। आठ का एक में 8 आएगा, 14 नहीं आया। तीन का छह में 18 आ जाएगा, फिर भी 14 नहीं आया। तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ तिकड़म लगाएंगे कि गुणा करने पर 14 आ जाए। तो आप कर लीजिए ना भाई सिंपल सा, सात में दो जोड़ेंगे 9 और सात का दो में गुणा करेंगे तो ये 1414 है ना, तो सात और दो हो जाएगा आपका कहां पर, अरे यहीं पर जहां पर लिखना है, ये 2x² ऐसे लिख लेंगे प्लस 9 की जगह पर 7 × 2 (x + 7 = 0। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल मस्त दिख रहा है ना। अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो क्लास की क्वालिटी चेंज कर ले, फुल HD दिखेगा आपको, DSLR कैमरा के द्वारा रिकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलें। अब इसमें 2x² प्लस ये 7x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 7 = 0, इसमें दोनों में कॉमन और इसमें दोनों में, आप देखिए इसमें x कॉमन है तो ये 2x बचेगा प्लस 7 बचेगा प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 7 बचेगा इक्वल 0। अगर आपको ये कॉमन वगैरह नहीं आता है, कैसे हमने कॉमन ले लिया x, ये 2x प्लस 7 कैसे बच गया, ये सब हमने क्यों कर लिया, तिकड़म कैसे किया, इसके लिए आप जीरो लेवल की मैथ की क्लास जरूर देखिए, क्योंकि जीरो लेवल की क्लास में हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताते हैं दिल खोलकर। ठीक है, आगे चले। अब इसमें कॉमन जो हमने लिया है दोनों जगह, उसको एक जगह कर लेंगे और ये दोनों इकट्ठा कर लेंगे, है ना, दो मूल आ गया। x के अगर मान निकालेंगे तो ये -7/2 और -1 आएगा, बात समझ में आई ना, ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लास बस इतना ही, अगली क्लास भी अभी जस्ट देखिएगा इसी क्लास के आधे घंटे बाद 10:30 बजे से अगली क्लास देखिएगा, इसका अगला भाग आपको आज ही के दिन हम दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि भाई एक क्लास जो है बहुत छोटी मिल रही है आजकल, है ना, तो क्लास बड़ी मिलेगी, टेंशन न लीजिए, इंटरनेट की क्वालिटी जल्दी ही सुधार लिया जाएगा, जैसे कैमरा की क्वालिटी सही हो गई है ना, सही हो गई ना बाबू, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, अपने दोस्तों में भी बता दीजिए, जो लोग परेशान हो चुके हैं क्लास से कि भाई अच्छा नहीं दिखता अच्छा नहीं दिखता, उनको बता दीजिए कि सब कुछ सही हो गया है और फिर आप लोग वापस आ जाएं। PBR स्टडी की जो संख्या 39,000 है ये January 2019 में, ये आपकी मई तक जो है 39 लाख तक हो जानी चाहिए, 4 महीने का टाइम, 120 दिन बहुत है। अगर आप 5-5 लोग को जोड़ते हैं तो तुलना कर लीजिए 2 लाख के ऊपर हो जाएगा ये, है ना, लेकिन 5 लोग को क्यों जोड़ेंगे भाई, आप तो 50-100 लोग को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोचिंग है ना, तो सभी को जोड़िए PBR स्टडी से और जल्दी से जल्दी इसे इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यानी कि यूट्यूब चैनल बनाइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9793488448 नंबर, फिर से 9793488448 पर JOIN ज्वाइन लिखकर भेजें और हर दिन रेगुलर सिलेबस वाइज क्लास करें और पढ़ते रहें ऑनलाइन अपने घर से, बाग बगीचे, खेत खलिहान, कहीं से भी, कभी भी। थैंक यू।